हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे राजमा की कटलेट। राजमा की कटलेट खाने के लिए जितना टेस्टी है उतना हेल्दी भी है। राजमा में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। तो चलते हैं राजमा की कटलेट बनाते हैं। एक कप राजमा को 8 से 10 घंटे के लिए भिगो के रखे थे, अच्छे से धो के रखे हैं। अभी प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। एक ग्लास पानी डाल देते हैं प्रेशर कुकर में। अभी नमक हाफ चम्मच डाल देते हैं। अभी प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के 5 से 6 सीटी आने तक राजमा को पकाएंगे। अभी 5 से 6 सीटी आ गया है। अभी गैस को ऑफ कर देते हैं। राजमा को प्रेशर कुकर से निकाल के ठंडा होने के लिए ऐसे ही छान के रखे हैं। राजमा अभी ठंडा हो गया है। राजमा को अभी मिक्सी जार में डाल देते हैं। राजमा को ऐसे ही ग्राइंडिंग करेंगे, पानी नहीं डालेंगे। अभी राजमा को ऐसे ही ग्राइंडिंग कर लिए हैं। अभी एक बाउल में निकाल देते हैं। अभी इसमें एक बॉईल करा हुआ आलू को मैश करके रखे थे, अभी मिला लेते हैं। एक प्लेट में 2 हरा मिर्च को काट के रखे हैं, थोड़ा सा धनिया पत्ता को काट के रखे हैं, एक मीडियम साइज प्याज को काट के रखे हैं बारीक, छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले रहे हैं। अभी सभी चीज़ों को बाउल में डाल देते हैं। अभी इसमें बेसन 2 चम्मच डालते हैं बाइंडिंग के लिए। धनिया पाउडर 1/2 चम्मच डाल रहे हैं। गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच। चाट मसाला 1/2 चम्मच। रेड चिल्ली पाउडर 1/2 चम्मच। अभी नमक 1/2 चम्मच डाल देते हैं। राजमा बॉईल करने के टाइम पर नमक यूज किए थे, इसलिए ध्यान में रख के नमक यूज करिएगा। अभी सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। आप चाहे तो तेल हाथ होके कटलेट बनाएगा। मैं ऐसे ही तेल हाथ ना होके कटलेट बनाया था, ऐसे ही बन गया था। अभी आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कटलेट का शेप देके बना सकते हैं। अभी ऐसे ही कटलेट का शेप देके बना लिए हैं। सेम ऐसे ही कुछ कटलेट अभी बना के रखे हैं। पहले से ही पैन को गर्म होने के लिए रखे थे। अभी पैन में रिफाइंड ऑयल 4 चम्मच डाल देते हैं। ऑयल को थोड़ा चारों तरफ थोड़ा फैला देते हैं। अभी एक एक करके कटलेट जो बना के रखे थे अभी पैन में रख देते हैं। गैस फ्लेम स्लो टू मीडियम में रख के कटलेट को सेकेंगे। अभी 2 से 3 मिनट के लिए कटलेट को सेकने के लिए छोड़ देते हैं। अभी 2 से 3 मिनट हो गया है। अभी दूसरे साइड पलट देते हैं। कितना सुंदर और अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है कटलेट में। अभी दूसरे साइड सेकने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अभी 2 से 3 मिनट हो गया है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। अभी दोनों साइड अच्छा सा सेक गया है। अभी एक प्लेट में निकाल देते हैं कटलेट को। सेम प्रोसेस से बाकी जो बना हुआ कटलेट है ऐसे ही सेक लेंगे। अभी हमारा सब राजमा कटलेट बन गया है। आप इस कटलेट के साथ ग्रीन चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं।
आज का रेसिपी अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिन लोग मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास में बेल आइकन को क्लिक करिएगा नोटिफिकेशन के लिए। मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।